तो ये बोनस है, हम इसमें अब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर चुके हैं, देख सकते हैं ये हार्ड ड्राइव से कनेक्टेड है साटा के थ्रू, और इसमें अब ऑपरेटिंग सिस्टम है जेनन, और उसके बाद देख रही है रन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक बेसिकली काल लिनक्स है जो भी है, तो बेसिकली फराटेदार तरीके से चल रहा है एकदम। और इसका ग्राफिक्स यार, इसका डिस्प्ले का क्वालिटी, मतलब मज़ा आ गया, मेरे भी लैपटॉप से बढ़िया है, इसको हम यूज़ करेंगे उसके लिए, मतलब कोडिंग वोडिंग के लिए, इसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा भाई थोड़ा कम कर देते हैं। कहाँ है की, यहाँ से कम करते हैं शायद, की नहीं काम कर रहा है। ओके अब ठीक है, तो मतलब सब कुछ काम कर रहा है, हार्ड ड्राइव 1 TB का शो कर रहा है, और फाइल सिस्टम इसमें सिंगल पूरा का पूरा, इसमें मतलब सब एकदम अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, अभी वीडियो वीडियो प्ले करके नहीं दिखाने वाले, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल, अभी इंस्टॉल ही किए हैं। और इसमें ग्राफिक्स इसका कम करना पड़ेगा, बहुत भयानक तरीके से ग्राफिक्स ले रहा है, मतलब इतना भयानक ग्राफिक्स तगड़ा मेरे सिस्टम का भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है ग्राफिक्स प्रोसेसर इसमें। वैसे भी इसमें ग्राफिक्स डेडिकेटेड है शायद, इसलिए इसका मन बढ़ गया होगा, समझे ना। हालांकि वो कम कर देंगे, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अभी वीडियो शुरू भी नहीं हुआ है अभी से, तो नमस्कार भाई लोग, अभी अभी हम लोग करने वाले हैं बेसिकली, पता नहीं मेरे सामने बहुत सारा जो है कंपोनेंट्स पड़ा हुआ है लैपटॉप का, और अभी हम बेसिकली एक लैपटॉप बनाने वाले हैं जो कि, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ पड़ा हुआ है वैसे ही, पता नहीं क्या, मतलब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है इसका मदरबोर्ड। तो हम गए थे बेसिकली नेहरू प्लेस, और वहाँ से बहुत सारा सामान खरीदे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं बारी बारी से सभी सामान। और मेरे पास है ये रहा बैग, और इस बैग में होगा मतलब क्या क्या है। पहले तो ये मल्टीमीटर खरीदे हैं, और उसके बाद अरे यार ये मेरे स्कल कैंडी वाला हेडफोन, इसको सर्विस सेंटर ले जाना है, पता नहीं हेडफोन मेरा ख़राब हो गया ना, तो 3 साल का वारंटी दिया था। ये इसका कॉर्ड, इसके बाद ये एक DDR2 सोडियम है, मतलब 2 GB, और एक और DDR2 सोडियम 2 GB। इसके बाद क्या है, और एक सीमॉस, क्योंकि पुराना हो गया होगा तो ऑफकोर्स जो है सो मतलब ख़राब हो गया होगा, और एक 9 वोल्ट बैटरी, क्यों, तो बेसिकली अगर मल्टीमीटर में कुछ गड़बड़ निकला मतलब, तो वैसे बैकअप के लिए पता नहीं क्यों ले लिया। तो इतना है इसमें, और उसके बाद है ये है बेसिकली हमारा सेटा 3 टू USB 3 और USB 2 कम्बाइंड, और ये साथ में पीछे में बॉक्स दे दिया है प्लास्टिक का हार्ड ड्राइव के लिए। ठीक है, अच्छा है, मतलब मेरा एक हार्ड ड्राइव वो 1 TB वाला कहाँ गया, ये वाला हार्ड ड्राइव 1 TB वाला जो इसके लिए कवर भी चाहिए था, और वैसे भी हम सेटा कन्वर्टर चाह रहे थे, मतलब कवर दे दिया बस बोनस है। ठीक है, और ये रहा हमारा मदरबोर्ड, और इसमें है प्रोसेसर है, सॉरी क्या बोलते हैं, इंटेल एटोम है ना, पता नहीं कौन सा है, देखना पड़ेगा इसका फ्रंट कवर कहाँ गया, इंटेल सेलेरॉन, और ऑफकोर्स पुराना है, तो दिमाग में आ रहा होगा आपके कि मतलब बकवास प्रोसेसर है, लेकिन एक्चुअली में ये विंडोज वेस्टा के साथ आया था, अगर समझदार है तो समझ जाइएगा कि इसका क्या मतलब है। और ये है तो इसका सीमोस ख़राब हो गया होगा, ठीक है, और इसमें ग्राफ GPU अलग से दिए हैं, इंटीग्रेटेड नहीं है, पहले भी आता नहीं था। और एक और बात, मतलब इस प्रोसेसर को अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे अपग्रेड, मतलब फिलहाल छोड़ देंगे, और इसको असेंबल करके और इसको बूट करेंगे कि देखते हैं बूट होता है कि नहीं, और क्या लाए मतलब पता नहीं क्या क्या था, और ऑफ कोर्स इसका पावर कॉर्ड। और अब बताते हैं कि सबका पड़ा कितना, तो पावर सबको मिला के हमको बस पूरा पावर 500 रुपये खर्चा हुआ है, और ये एडेप्टर जो है ये एडेप्टर का 400-500 का है, मतलब हमको ये मतलब नहीं था कि मतलब कंपनी का होना चाहिए, बस हमको काम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से हमको पता है कैसे खरीदना, तो इतना नहीं देखे कि हाँ भाई कंपनी होना चाहिए। ठीक है, ये पावर कॉर्ड, और फिर देखते हैं क्या, और कुछ नहीं है, और तो बाकी बस ठीक है, इसको साइड में करते हैं, अब इसको असेंबल करते हैं। ठीक है, इसको असेंबल करने के लिए सब कुछ हम साइड में करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये हार्ड ड्राइव वगैरह जो भी है फालतू का चीज़ सब साइड में करेंगे,
हम लेंगे सिर्फ और एक सिर्फ और सिर्फ ये मदरबोर्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या है भाई, चल साइड हो भाई तुम लोग, ठीक है। इसको लेंगे, इसको भी साइड करो, इस सबको बाद में टेस्ट करना है कि ठीक है कि नहीं। मतलब वैसे भी हम ये मतलब लैपटॉप बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि हम बाद में जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि मेरा अभी तक बीटेक नहीं हुआ ना, मतलब मज़ा आएगा कॉलेज जाएंगे तो। और ये दो सोडियम है तो पहले इसको खोल के लगा लेते हैं। ये हाइनेक्स का सोडियम है, देख रहे होंगे, मतलब पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, हाइनेक्स का है, दोनों दो जी बी का है। और अब ये मैक्सिमम जो है सो सेलरॉन उस समय का 11 साल पुराना लैपटॉप का बोर्ड है, तो ऑफ कोर्स जो है सो मतलब सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 4 गिग तक सपोर्ट करता है, 2 गिग पर चैनल, ठीक है। तो ये सिंगल चैनल और ड्यूअल चैनल दोनों रैम हो गया, मतलब ठीक है। इससे ड्यूअल चैनल का फ़ायदा होता है कि स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो दो रैम लिए हैं दो, और दोनों मिला के करीब यही कुछ 1000 रुपये पड़ गया, ठीक है। तो अब हम इसको लगाते हैं, और ये रहा हमारा स्लॉट, और ये रहा हमारा रैम। पहले नीचे वाला लगाएंगे, ऊपर में ऐसे करके ठीक से, ओके लग गया। सेकेंड रैम इसको भी ऐसे करके लग गया, बस थोड़ा सा जेंटली पुश करना होता है, ठीक है, और ये अपने आप लग जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि इसको बूट करने के लिए अभी हार्ड ड्राइव नहीं लगाएंगे, हार्ड ड्राइव अभी हम लिए भी नहीं है क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास 1 TB का हार्ड ड्राइव पड़ा हुआ था, और ये बोर्ड मैक्सिमम 250 GB तक सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम सोचे कि यार हार्ड ड्राइव खरीदने से SSD खरीद लेंगे, तो अभी हम उसके लिए रहने देते हैं, बस ये एक्सपेरिमेंट के लिए है, तो बोर्ड हम बेसिकली सीखने के लिए, समझ रहे ना बात। तो दूसरा है कि इसका डिस्प्ले बोर्ड असेंबल किया जाए, बाकी चीज़ सब साइड में रख देते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करेगा बेसिकली। और ये पावर कोड, मेरे पास पावर कोड मेरा एक लैपटॉप इसमें ये नहीं है, ठीक है, इसमें ये नहीं है, तो ये अपने लैपटॉप वाला यूज़ करेंगे हम। और ओके ठीक है, और ये रहा पिन। इसको लगाने से पहले हम इसमें एक और चीज़, इसमें बूट करने के लिए बूटेबल ड्राइव होना चाहिए, जो कि ये जो देख रहे हैं SD कार्ड, ये एक्चुअली में SD कार्ड है, SD कार्ड प्लस प्लस कार्ड रीडर पता नहीं, देख लीजिए। और ये बेसिकली एक बूटेबल मंजारो लिनक्स का बेसिकली इसमें इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इससे हम बूट कर पाएंगे एटलीस्ट, तो चेक करना है ना एटलीस्ट कि बूट हो रहा है कि नहीं। अब हम इसमें असेंबल करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है इसका डिस्प्ले, तो ये क्या है भाई, मेरा हेडफोन साइड रखो इसको। तो ये रहा हमारा 15.6 इंच का LCD पैनल है, और उसके बाद इसको हम असेंबल करेंगे। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं, कहाँ रख दें, ठीक है यार, इतना सारा सामान है कि मैं एपी फीस पी लेते हैं साला, ले लिए थे रास्ते में पता नहीं। उसके बाद इसको कहाँ लगाया जाए, इधर इधर तो नहीं लग रहा है, इधर है क्या, ये रहा ठीक है। ये दो वायर जो है ये बेसिकली एंटीना का है, जिसे ये वाईफाई कार्ड है, कहाँ गया, ये वाईफाई कार्ड है ना, तो ये वायरलेस प्लस ब्लूटूथ प्लस वाईफाई कार्ड होता है, ये बेसिकली एम सेटा कनेक्टर है। तो ये यहाँ जाएगा, कहाँ गया, अरे एम सेटा कनेक्टर ये रहा। तो एम सेटा कनेक्टर की जगह हम एम सेटा SSD भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम इसको वाईफाई रहने देंगे यहाँ पे, और वैसे भी एम सेटा SSD नॉर्मल SSD से थोड़ा महंगा आता है, हालांकि होता तो सेटा ही है लेकिन फिर भी महंगा आता है, पता नहीं क्यों नहीं आता है। तो ये दो कनेक्टर जो है सो यहाँ पे जाएगा, इस दोनों एंटीना पे, यहाँ पे दो एंटीना है, एक ये रहा एक ये रहा, तो इस दोनों एंटीना पे जाएगा। और ये बेसिकली वाईफाई का एंटीना की तरह, डिस्प्ले पूरा जो लैपटॉप का होता है ना, वो वाईफाई के एंटीना की तरह काम करता है, ठीक है। तो हमको उससे काम नहीं है, हमको बस इस दोनों पिन से काम है, और इस दोनों पिन को हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्प्ले पिन है, मतलब जो भी है, डड़ा डड़ा डड़ा, इसको ठीक से लगाएंगे एक बार हम कंफर्म करने के लिए कि ठीक से लगा है कि नहीं, एक बार उल्टा सीधा कर लेते हैं, हालांकि हमको पता है ठीक से लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे ही कन्फर्म करने के लिए हम सीधा लगाए थे, ठीक है, चल बे घुज्जा इसमें, और ये ब्लैक वाला ब्लैक में लगा देंगे,
हाँ ब्लैक वाला ब्लैक में लगा देंगे। ठीक है, डिस्प्ले का कनेक्शन हो गया। ये ऊपर वाला जो है, ये दो बटन है बेसिकली पावर के लिए। अब नेक्स्ट थिंग जरूरी है, हमारा रैम लगा चुके हैं, लगा चुके हैं चेक। उसके बाद एक कीबोर्ड, ठीक है, तो इसका ये कीबोर्ड है। मतलब पता है ये लैपटॉप के हम इसलिए ठीक कर रहे हैं क्योंकि ये कीबोर्ड बढ़िया है। मतलब ये बेसिकली मैकेनिकल कीबोर्ड है और मैकेनिकल कीबोर्ड हमेशा बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब कहीं भी प्रेस करेंगे खटाक से होता है, मतलब बढ़िया है टाइपिंग के लिए, ठीक है मेरे लिए। और वैसे भी ये लैपटॉप बिजनेस के लिए बना हुआ था, मतलब उस समय के लिए ये हर जगह आपको बिजनेस वाले लोग ही लेकर घूमते रहते हैं। तो उसका ये बेसिकली हमारा पिन है, उसको लगाना है। इसको कहाँ लगाएंगे, तो कहाँ ये निकल गया भाई, इसको कहाँ लगाना है, इधर लगाना है, ठीक है ओके। अब इधर में यहाँ पे लगाना है, ठीक है, इधर से लगाएं, ऐसे लगाएं कि ऐसे लगाएं, इसको पहले निकाल लेते हैं, दिख रहा है क्या। चलिए हम फोकस कर देते हैं एक बार फिर से, ओके। चलिए ये यहाँ पे लगेगा, एक वो ले लेते हैं, उसके बाद इस लैपटॉप को असेंबल करके, मैं बेसिकली हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, हमको भी नहीं पता है, हम भी पहली बार कर रहे हैं। मतलब पहली बार ये अभी तक हम बूट नहीं किया था, अभी तक हम सामान लावे, मतलब लग गया इसका। उसके बाद इसको बेसिकली टाइट कर देना है, ओके, इधर से भी हो गया। चलिए कीबोर्ड कनेक्टेड हो गया। अब कीबोर्ड शॉर्ट सर्किट ना करे इसलिए इसको थोड़ा ठीक से रखना पड़ेगा। इसको ऐसे उल्टा रख देते हैं, जब बटन दबाने की बारी आएगी तो ठीक है, उसके बाद दबाएंगे, ओके। ये सब हो गया। अब आ गया, और क्या छूटा हुआ है, क्या काम करने के लिए और क्या छूटा हुआ, ये वाला इथरनेट का है, ठीक है, सॉरी ये वो उसका है, RJ11 काम आता है उसमें, क्या बोलते हैं, टेलीफोन लाइन मोडम के लिए। यहाँ पे आप डायरेक्ट RJ11 कनेक्ट करके, और इसमें मोडम इनबिल्ट है, ठीक है, ये है मोडम, कहाँ गया, ये वाला दिख रहा है क्या, ओके, ये मोडम है बेसिकली यहाँ पे, और इसी से RJ11। तो पहले आता रहा कि एक्सटर्नल मॉडम भी यूज़ करते थे बहुत लोग, लेकिन इसमें इनबिल्ट है, ठीक है। अब हम इसका पावर लगाएंगे और देखते हैं डिस्प्ले में पावर आता है या नहीं। और हमको ये भी नहीं पता है कि इसमें F12 दबाते हैं कि F5 दबाते हैं इसमें बायोस में जाने के लिए, तो पता नहीं काम करेगा। इसका फ़ैन फ़िलहाल हम नहीं लगाए हुए हैं, पहले एटलीस्ट बूट कर जाए, उसका फ़ैन लगा लेंगे। तो इसका ये रहा पावर, और पावर को लगाना है किधर, किधर है पिन भाई, ये रहा। अब बात यह है कि मतलब ये ग्राउंड नहीं किए हैं इसको, ठीक है, तो ग्राउंड नहीं होने पे हो सकता है कि थोड़ा सा झटका हमको लगेगा। अगर हम इसका कोई भी कंपोनेंट्स उसके बाद छूते हैं, तो ग्राउंड रहता तो कोई बात नहीं था, वैसे हम छू सकते हैं, लेकिन फिर भी पुराना लैपटॉप है तो ग्राउंड पक्का नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, सब कुछ ठीक है, चलो लगाया जाए, ओके, लाइट जल गया, कुछ अब थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं कि कहीं कुछ जला उला तो नहीं है ना, डर भी लग रहा है। उसके बाद हम पावर बटन दबा रहे हैं, पावर बटन राइट साइड में लेफ्ट साइड में, पता नहीं कौन सा, ओके ओके लाइट जला, अरे यार डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, ओके, इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती है। हम फिक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, नहीं समझ में नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, ओके देन, इस बार कीबोर्ड को नहीं निकालेंगे, और ओके आ गया।
अभी यार लैपटॉप को उल्टा करके चलाते हैं ना तो नहीं होता है, मतलब इसमें कोई ग्रेविटी सेंसर है क्या लगा हुआ? पता नहीं कौन सा सेंसर है भाई, बूट हो रहा है। चलो इसको पावर निकाल के दोनों डैम स्लॉट लगा देते हैं, मतलब पक्का चार चार दो दो जीबी का ही दिया था वो आदमी। प्रॉब्लम लैपटॉप में ही है, कुछ उल्टा करके चलाते गजबे वाला बात है, मतलब उधार करके चलाते हैं। अब हमको फाइंड करना पड़ेगा एग्जैक्टली में क्या हो रहा है इसमें, ठीक है? फिलहाल चल रहा है तो हम चेक करेंगे कि रैम कितना है वगैरह वगैरह कितना कितना है। वो लग रहा था कीबोर्ड का कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कीबोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है अभी तो फिलहाल। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जा ए हम दोनों। ओके हमारे आ चुके हैं बायोस में। कंप्यूटर सेटअप के लिए दबाएं F10, दिख रहा है क्या? थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ कंप्यूटर सेटअप के लिए दबाएं F10। कीबोर्ड उल्टा है भाई। चलो F10 किधर है, ये रहा। सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ओके एंटर। नोटबुक HP 550 इंटेल सेरॉन CPU, उसके बाद 2000 मेगा हर्ज यानी कि 2000 मेगा हर्ज यानी कि सेरॉन CPU, ओके 2000 मेगा हर्ज यानी कि 2 GHz का प्रोसेसर है। रैम मेमोरी साइज है 4096 MB, ऑफकोर्स इसमें 4 GB रैम है। और ये अपने आप क्यों दब रहा है भाई? अच्छा कीबोर्ड है ना, इसलिए कीबोर्ड की वजह से। इसको सही जगह इसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है? तो लैपटॉप चल रहा है टनाटन, इसको उल्टा करने पे क्यों प्रॉब्लम हो रहा था हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, वो हम बाद में फिक्स कर लेंगे, ठीक है? और अभी हम लोग इसमें देख लेते हैं बायोस में क्या क्या। ESC to exit, उसके बाद सेट सिस्टम टाइम एंड डेट, सेव चेंजेस एंड एग्जिट, उसके बाद है सिक्योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लैबेट बूट ऑप्शन, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, बिल्ट इन डिवाइस ऑप्शंस, उसके बाद डायग्नोसिस HDD है ही नहीं तो क्या करेंगे, सिक्योरिटी पासवर्ड, उसके बाद है फाइल इंफॉर्मेशन, उसके बाद है चेंजेस एंड एग्जिट। ओके ठीक है, सेव एंड एग्जिट, सेव एंड आर यू श्योर यू वांट टू सेव F10 के लिए? यस ऑफ कोर्स आई वांट टू सेव। और ये रिबूट करेगा अपने आप को, और अब बूट होना चाहिए डायरेक्टली USB ड्राइव में। और इस USB ड्राइव में बेसिकली वो है, क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम बेसिकली मंजारो लिनक्स है उसमें, तो ये डायरेक्टली उससे बूट करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग बूट करेंगे, इसमें उल्टा दिख रहा है भाई। नहीं सही है, चलो इसको बूट किया जाए। अब थोड़ा मोड़ा चला के देखते हैं कि लैपटॉप चलता है कि नहीं, मतलब तो उसके लिए हमको चाहिए एक माउस। ओके ये माउस है, बहुत पुराना है मेरा, मतलब बहुत पहले यूज करते थे। अरे बूट नहीं हुआ भाई। वाइट बूट ना होने का रीज़न ये था कि वो बेसिकली रैम का प्रॉब्लम था। ये सिस्टम सिर्फ 2 GB रैम सपोर्ट करता है, बायोस अपडेट करने के बाद वो 4 GB ले लिया फोन, और उस समय ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम था तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, बस यही बात था, इसलिए वो सिस्टम रिबूट हो रहा था बार बार। ड्राइवर हो सकता है, ये पुराना लैपटॉप है ना तो उसमें ड्राइवर नहीं होगा, ड्राइवर का इशू होगा। इसमें हम फ्री नॉन फ्री फ्री बूट, ओह एकदम फैन था, जबरदस्त तरीके से चला भाई।
वेलकम टू मंजाड़ो। चलिए बूट हो रहा है, बूट हो चुका है, मतलब हो रहा नहीं अब। इस यूएसबी को लगा कर, हालांकि ये माउस ख़राब है पता नहीं क्यों, बहुत दिन से इसको टेस्ट भी नहीं किए हैं, तो चलिए एक बार और टेस्ट कर लिया जाए इसको टेस्ट। ओके देन, ओके माउस में लाइट आ चुका है, लेकिन माउस ख़राब है फिर भी पता नहीं क्यों लगा के हम चेक कर रहे हैं। भाई बस बूट कर दियो, ये मत कहियो कि ये सिस्टम इसके लिए पुराना है। हालांकि कोई ना कोई ओएस तो हम ढूंढ ही लेंगे जो इस पे चल सके एटलीस्ट, लेकिन फिर भी बहुत सारा एरर आ रहा है भाई, ये एरर आ रहा है, एरर स्टार्टर प्रोसेस कोर डंप, एरर आ रहा है। पुराना लैपटॉप है ना इसलिए। इसमें एरर क्या है, कोर डंप पीआईडी, इसको होने देते हैं जब तक लूप करेगा, लूप करने देते हैं। हर एक सिस्टम में एक लूप प्रिवेंशन का प्रोग्राम होता ही है, हम चेक करेंगे एक्चुअली में ये क्या करता है। तो हो गया, मतलब सिस्टम तो चल गया ऑफकोर्स, इससे विंडोज एक्सपी और अति के अलावा शायद चलेगा भी नहीं कोई, मतलब कोई ना कोई हम ओएस तो ढूंढ ही लेंगे जो इस पर चल जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ मत कीजिएगा, अपना जो करना है कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है, पीस आउट। तो अभी बेसिकली हमारा फुल सिस्टम अपग्रेड चल रहा है, और आखिर में बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करने के बाद हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर लटक गए हैं, वो है लुबुंटू। और अभी फ़िलहाल यही रह देंगे, विंडोज़ भी इंस्टॉल करने का, आईएसओ डाउनलोड किए थे लेकिन मेरे पास मेरे लैपटॉप में कोई अभी टूल नहीं था जिससे कि उसका बूटेबल यूएसबी बना सके, क्योंकि अभी हम मंजारो पे स्विच कर गए हैं उबुंटू से, तो उबुंटू में तो है कि वो यूएसबी करके है एक जिसे आप कर सकते हैं। मंजारो थोड़ा सा नया है तो उसमें देखना पड़ेगा कैसे होता है, तो अभी हम उससे बूटेबल यूएसबी नहीं बना रहे विंडोज़ का, जब बनाएंगे तो उसमें इंस्टॉल करके देखेंगे। और ये फिलहाल फुल सिस्टम अपग्रेड चल रहा है, और बहुत देर चलाने के बाद कोई लैग कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और वो 4GB वाला जो अभी हम इसमें 2GB रैम ही इंस्टॉल किए, क्योंकि इसका बायोस पुराना हो चुका है, इतना पुराना है ना कि ये बेसिकली 4GB को नहीं ले रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ले तो लेता है, बायोस ऑन कर देता है सिस्टम, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उसको बेसिकली सपोर्ट नहीं करता है। तो इसीलिए हम 2GB पे चला रहे हैं और एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई लैग नहीं हो रहा है बिल्कुल भी लैग, वैसे भी लैग होगा तो हम हटा देंगे बकवास, तो एकदम बढ़िया चल रहा है।